फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में, और वो भी अकाउंट्स किसी क्लास के नहीं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आज तक कभी अकाउंट्स पढ़ी नहीं है और वो समझना चाहते हैं कि अकाउंट्स होती क्या है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि हम अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंट इक्वेशन कैसे करते हैं, लेजर कैसे पोस्टिंग की जाएगी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंट्स का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है। अकाउंट्स तो बेसिकली, अगर जब भी हम अकाउंट्स या कोई सब्जेक्ट बिजनेस पढ़ते हैं कॉमर्स का, तो आप ये मान के चलिए कि हमारा एक क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और हम उस बिजनेस के ऑनर हैं, मालिक हैं। चलिए अभी समझाता हूँ पहले मैं अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। दोस्तों आज अगर जो भी डेट है उससे आप 10 दिन पहले की डेट पे जाइए और मुझे बताइए कि आपने क्या खाया था, क्या आप बता सकते हैं? इवन कई बार लोगों को 10 दिन के 5 दिन पहले की भी चीज़ याद नहीं रहेगी खाने की। तो सेम लाइक, जब आपको 5 दिन पहले खाने की चीज़ याद नहीं है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस जो चल रहा है वो 1 साल तक लगातार चलता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, इस टाइम पीरियड के बीच आपने कईयों को अपना सामान बेचा होगा और खरीदा होगा, कईयों को उधार पे दिया होगा, कईयों पे नगद खरीदा होगा, तो मतलब कई सारी ट्रांजेक्शन इस बीच हुई होगी। क्या आपको सब याद रख सकते हैं साल के बीच? नहीं रख सकते। मतलब कि इतने बड़े पीरियड का सारा डाटा स्टोर करना अपने दिमाग में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी डेली की ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस में, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सिंपल सा मीनिंग अकाउंट्स का यही होता है, अकाउंट्स का क्या, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। और बेसिकली कौन सी रिकॉर्ड करनी है, तो क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में रोज के लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, हमारा अकाउंट्स, सिंपल सा। चलिए अब इसकी कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। तो बेसिक्स में आपको मैं बता दूं, कुछ आगे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मीनिंग पता होना चाहिए अकाउंट्स के बारे में। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अभी तक जब तक हमने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी थी, तो हमारे ड्राइंग के मायने कुछ अलग होते थे, कला, चित्र बनाना, समथिंग लाइक बोलते थे, ठीक है, दैट इज ड्राइंग। सेकंड कैपिटल, लोग कैपिटल के लिए मीन्स किसी कंट्री की कैपिटल, राजधानी या समथिंग लाइक कैपिटल वर्ड, ये डिस्कस करते थे, ठीक है। दूसरी चीज बात करें गुड की या गुड्स की, तो इसका मतलब होता था अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसका अकाउंट में नहीं कुछ और होगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स के बेसिक समझने से पहले अकाउंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं, 10-12 ही टर्म्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म्स है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूंगा कि हम डेली में अपने बिजनेस में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, हम जो कर रहे हैं वो सारी ट्रांजेक्शन कहलाएंगी, ठीक है। अब उन ट्रांजेक्शन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वो ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेट करती है और एक जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती है। तो जो बिजनेस से रिलेट करती है वो कहलाएगी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, और जो बिजनेस से रिलेट नहीं कराएगी वो क्या होगी, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जस्ट एग्जांपल के लिए, हमारा फर्नीचर का काम है, हम लकड़ी लाते हैं और लकड़ी से फर्नीचर बना के सोल्ड करते हैं। तो इन दैट केस आप जो लकड़ी खरीद के ला रहे हैं, सिंपल, वो आपकी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और आपने क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता, आप मोमोज खाने गए, आपने पैसे खर्च किए, तो भाई वो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड वाली जो बिजनेस को इफेक्ट करेंगी वो क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो हमारे बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है, वो भी कौन सी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। तो वो ट्रांजेक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और जिनको मनी के टर्म्स में काउंट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जस्ट लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी फर्म में क्या करते हैं, आपके मजदूर हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देंगे, तो क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा? यस पड़ेगा। लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि कितने रुपए की हड़ताल हो रही है? नहीं बता सकते। तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन मनी टर्म्स में हमें नहीं पता पड़ रहा। तो हम कौन सी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोई टर्म्स फर्स्ट। उसके बाद सेकंड टर्म डिस्कस करेंगे तो वो है हमारी अकाउंट्स। तो मैंने बताया अकाउंट्स का मतलब होता है समराइज, समराइज मतलब छोटा करके, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को छोटा करके लिखना मीन्स होता क्या है, जो ट्रांजेक्शन होती है बड़ी बड़ी होती है कि आज मैंने इसको गुड सोल्ड किया, परचेज किया, बहुत सारी बिजनेस स्टार्ट, तो उनको समराइज करके रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स, क्लियर है। सो पॉइंट नंबर थर्ड इज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझिए क्या होता है। मान लेते हैं एक राम है और एक श्याम है, तो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है RS लिमिटेड, और उसके पार्टनर कौन है, राम और हमारे श्याम। राम ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपीस लगाए और श्याम ने 4 लाख। सो दैट इज कैपिटल। जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि राम की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और श्याम की कैपिटल कितनी है, यहां पर 4 लाख है। तो दिस इज राम कैपिटल, दिस इज श्याम कैपिटल। अब टोटल अगर मैं बात करूं फर्म की कैपिटल कितनी हो रही है, फर्म कैपिटल, दोस्तों वहां पे फर्म की कैपिटल हो गई 2 लाख और 4 लाख, दैट इज 6 लाख। 6 लाख क्या है आपकी फर्म की कैपिटल हो गई। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब हो गया अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, ठीक है, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, क्लियर। नाउ पॉइंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, फोर्थ है फोर्थ इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग का मतलब लिखता हूं मैं, विड्रॉ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ड्रॉइंग। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि चलिए मान लेते हैं हमारा बिजनेस जो है वो फर्नीचर का है, रॉ मटेरियल कच्चा माल लेके आते हैं और इसे क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, उसमें से एक फर्नीचर बना के सोफा सेट अपने घर ले जाएं, हमारा खुद का बिजनेस है लेकिन उसमें से हमने क्या करा, एक सोफा सेट बनाया और अपने घर ले आए, तो उसके पैसे बिजनेस को नहीं मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड हमने क्या कर लिया, बिजनेस का सामान, सामान को यहाँ पे बोलते हैं गुड्स, मीन जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो वो गुड्स आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, किस चीज के लिए, अपने यूज के लिए, आपकी फर्म को उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे आप कह सकते हैं ड्रॉइंग। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने अपनी फर्म में पैसे रखे हुए थे, सेल के पैसा रखे थे आपने, जब फर्नीचर बेचा था कुछ बाहर, तो हुआ क्या, आपको कुछ खरीदना था अपने ड्रेस, अपने पहनने के लिए कपड़े, तो आपने क्या करा, फर्म में के
लॉकर में से पैसे निकाले और अपने लिए कपड़े खरीद लिए। अब क्योंकि आपने फर्म के लिए पैसे नहीं खर्च किए, मीन्स गुड्स खरीदने के लिए खर्च नहीं किए, आपने क्या करा अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे खर्च किए, तो यहाँ पे आपने क्या करा विड्रॉ करा, कैश विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज, सो दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉइंग। तो आप चाहे गुड्स विड्रॉ कर लो चाहे कैश विड्रॉ कर लो, अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके लिए ड्रॉइंग कहलाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर्थ असेट्स के बाद असेट्स। असेट्स का अगर सिंपल सा मीनिंग बोल तो लीगल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, लीगल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड असेट्स। जैसे कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपके पास बिल्डिंग होगी, ठीक है, वो आपका असेट्स है। आपके पास फर्नीचर हो सकता है, वो आपका असेट्स है। आपके पास मशीनरी हो सकती है, वो आपका असेट्स है, ठीक है। इवन कैश हमारा असेट्स होता है, बैंक का बैलेंस जितना बैंक में हमारा जमा है वो हमारा असेट्स होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास व्हीकल है वो आपका असेट्स हो सकता है। डेटर भी साइलेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, सो डेटर वो आपका असेट्स होता है। डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है डेटर। जिस व्यक्ति को हमने क्रेडिट पे सेल किया, मीन्स उधार पे माल बेचा है अपना, तो उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं डेटर। सो ये कुछ एग्जांपल हैं असेट्स के, गुडविल, बीआर, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड असेट। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में टीवी, फ्रिज, बेड, फैन, ये सब है, तो ये आपकी संपत्ति है, ये आपके असेट्स हैं। वैसे बिजनेस के पर्पज से देखें तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर, गुड्स, बीआर, अदर और भी है, ये सारे क्या कहलाते हैं असेट्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अगली चीज, वो है लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट टर्म्स है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा समझिए उधार, मींस बोरोइंग करना। क्या बोरोइंग? तो दोस्तों आप एक चीज देखिए कि आरएस लिमिटेड स्टार्ट करने के लिए राम ने लगाए थे 2 लाख कैपिटल और श्याम ने लगाई थी 4 लाख कैपिटल, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो हमारे पास कितने रुपए की कमी पड़ रही है? हमारे पास आई थिंक 4 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। तो 4 लाख क्या करें, हमने बाहर से बोरो कर लिए, 4 लाख रुपीज बोरो फ्रॉम आउटसाइडर, कोई भी हो सकता है वो बंदा, ठीक है, वो हमने क्या कर लिया, बोरो कर लिए, उधार ले लिए। तो जो पैसे हम उधार ले रहे हैं वो क्या हो गया एक तरह से हमारे पर लायबिलिटी, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप उधार ले लो या आप उधार पे अपना सामान खरीद लो, कुछ भी है। तो जो पैसा आप बिजनेस के पार्टनर के अलावा बाहर से उधार लेते हैं, ठीक है, उसे क्या लेंगे लायबिलिटी। वेल कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, जो कि हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी एक कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर, तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी होगी। चलिए अभी लायबिलिटी समझ लेते, तो आपको लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया होगा। अगर आप चाहें उधार पे माल बेचेंगे, सॉरी खरीदेंगे, तो आप के बनेंगे क्रेडिटर। जैसे एक डेटर था वैसे होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है जिससे पैसे, जिसे पैसे देने होते हैं, जिसे पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो जिसे पैसे देने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं क्रेडिटर होते हैं। तो हम जब किसी से क्रेडिट पे माल परचेज करेंगे गुड्स, तो हमें उसे पे करना पड़ेगा। अगर हम रिसेंटली पे ना करके फ्यूचर में पे करें, मींस बाद में, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे क्रेडिटर बन जाएंगे, और हम उसके लिए डेटर बन जाएंगे क्योंकि उसे हमसे पैसे लेने। चलिए लायबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं लायबिलिटी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। लायबिलिटी के बाद आप समझ सकते हैं यहां पर फोर्थ चीज, वो है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का सबूत क्या कहलाता है वाउचर। और अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ वाउचर, बिल पे ही रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप एक सेलफोन खरीद के लाए, तो सेलफोन के साथ आपको एक बिल मिलता है, तो वो बिल क्या कहलाएगा, एक वाउचर कहलाएगा कि आपने उसी दुकान से खरीदा है।
आप किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ रहे हैं तो उसने आपको ओरिजिनल बिल दिया, दैट इज कैश मेमो, वो भी एक वाउचर है। आपने बैंक में पैसे जमा करे तो आपने एक स्लिप फिलअप करी, वो भी एक वाउचर है। तो मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन का जो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होता है, सबूत होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? वाउचर। ओके, पॉइंट नंबर 6 के बाद 7 और ये फिर 8 में क्या डिस्कस करेंगे आप? गुड्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। उसके बाद 9 एक आपको मैं बताना चाहूंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली क्या करते हैं हम, जो भी घर में भी सामान यूज करें, बेड हो सकता है, फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मशीन हो सकती है, उन सब की वैल्यू आप उतनी नहीं रही जितने की हम लेके आए थे। क्या हो गई है? कम हो गई है। मान लेते हैं, मैं जस्ट अपने एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक अपना सेलफोन लेके आया जो कि 10,000 था और उसको हो गए 2 साल। क्या अब अगर मैं उसे 10,000 में बिकना चाहूँ बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। मे बी मान लेते 3,000-4,000 का बिकेगा, मान लेते 4,000 का बिकेगा। तो हम लेके आए थे उसे 10,000 का, ठीक है, बिक रहा है वो 4,000 में, तो 4,000 बिक रहा है, 6,000 हमें लॉस हो रहा है। इस 6,000 को आप अब से पहले क्या बोलते थे? लॉस बोलते थे। लेकिन अकाउंट्स के जब में से बोलते हैं डेप्रिसिएशन फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स बाय यूज, बाय एक्सीडेंट, बाय अफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से या यूज करने से या एक्सीडेंट से, किसी से भी कारण से हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। चलिए उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के बाद। इधर पे उसके बाद एक चीज समझिए, इंसॉल्वेंट का अगर मैं हिंदी वर्ड बताऊं तो होता है कंगाल। कंगाल मींस ऐसा पर्सन जिसको, जिसके पास लायबिलिटी चली हुई है और वो इस लायक नहीं रहा कि अपने उधार को पे कर पाए क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा, तो वो बंदा क्या कहलाएगा आपके लिए? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। अब एक चीज और समझिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बैड डेट्स। ये 10वां था, 11वां बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है अनरिकवर्ड अमाउंट। अनरिकवर्ड अमाउंट का मतलब क्या है? आपने अपने फ्रेंड को एक फर्नीचर बेचा, एक टेबल बेची थी 5,000 रुपए की, ठीक है। उस फ्रेंड ने क्या करा, कहीं चला गया और आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है, आपके 5,000 रुपये उसने अभी आपको दिए नहीं है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है ना एड्रेस है, आपके पैसे डूब गए। तो उस डूबे हुए अमाउंट को बोलते हैं बैड डेट्स, जो पैसा क्या हो गया हमारा? डूब गया। सो दैट इज कॉल्ड अनरिकवर्ड अमाउंट, ठीक है। सो मान ली क्या है वो? लॉस है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 12। तो दोस्तों हम जो परचेस करते हैं वो दो तरह की हो सकती है, या तो नगद, नगद के लिए आप बोलेंगे कैश परचेस, और अगर आप उधार खरीद रहे तो उसे बोलेंगे क्रेडिट परचेस। यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे हम डेबिट क्रेडिट, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट का कोई नाम नहीं होता, मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स के लिए यूज किया जाएगा, तो अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर नगद खरीदा है, यहां उधार खरीदा है, क्रेडिट के लिए यहां पे वर्ड उधार के लिए यूज हो रहा है। जब हम कैश परचेस करेंगे तो नो प्रॉब्लम, नगद पे किया, लेकिन अगर हमने क्रेडिट परचेस किया है तो हमारे क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स मींस जिनको पैसे हमें क्या करने हैं? चुकाने हैं, देने हैं, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स बन जाएंगे। सेम लाइक अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आप परचेस की जगह सेल करते हैं माल, अब अगर आप बिजनेस करें तो सेल भी करेंगे, तो अगर आप सेल करेंगे तो सेल भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो कैश सेल करेंगे या क्रेडिट सेल करेंगे। अगर कैश सेल करते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके जिनको आपने उधार पे माल बेचा है उसे बोलेंगे डेटर्स, जिनसे पैसे लेने हैं, ठीक है।
तो अगर आप पे आपके पैसे किसी पे रह रहे हो तो वो आपका डेटर लगा, ठीक है, याद रखिएगा। सो वो क्या हो गए, हमारे डेटर्स हो गए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा परचेज, ये हो गया हमारा सेल। परचेज सेल के बाद वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इनके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, जब भी एक दो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज आ रही है यहाँ पर, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब होता है आना, क्या आना, पैसे। और एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे खर्चे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मींस क्या, यहाँ पे खर्चे हैं। एक डेबिट साइड होगी, नथिंग इसका कुछ एक्चुअली में कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, बस हम इस यूज करेंगे एक लेफ्ट साइड के लिए, या एक, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री मतलब यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो एक के लिए हम राइट वर्ड यूज कर, जैसे लेफ्ट राइट होता है तो अकाउंट्स में लेफ्ट राइट ना होके डेबिट क्रेडिट होता है, तो डेबिट को डिनोट करेंगे डीआर से और क्रेडिट को डिनोट करेंगे सीआर से, ठीक है। वेल आपको बताना चाहूंगा डेबिट के जो वर्ड है उसमें कहीं पे आर नहीं होता, लेकिन तब भी इसमें डीआर यूज किया जाता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में डेबिट का मीनिंग होता है डेबिट जिसमें आर आता है, तो इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए इसमें आर वर्ड यूज किया जाता है, बट डेबिट में नहीं है, डेबर में। तो दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा इससे आगे हम और वीडियो बनाएंगे जिसपे अकाउंट इक्वेशन जनरल एंट्री की डिस्कस करेंगे। तो और लेक्चर के लिए प्लीज बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।